प्रदेश में पिछले 7 साल से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा और असंतोष व्याप्त है। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए उच्च स्तर पर पदोन्नति शुरू करने को लेकर विचार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जून से सितंबर के बीच पदोन्नति शुरू कर देगी। हालांकि पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी, यानी न्यायालय का जो भी निर्णय रहेगा अधिकारियों और कर्मचारियों को मानना होगा। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के दूसरे विकल्प के रूप में वरिष्ठ पद का प्रभार देना शुरू किया है। पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को 8 माह पहले ये लाभ दिया जा चुका है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रभार दिए जाने की कार्यवाही चल रही है। ये कार्यवाही 10 मई तक पूरी की जानी है। हालांकि उच्च पद का प्रभार दिए जाने से अधिकारी और कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि प्रभार देना अलग बात है और पदोन्नति अलग। वरिष्ठ प्रभार मिलने से पैसा तो मिल जाएगा पर प्रतिष्ठा नहीं मिलती। ऐसा नहीं किए जाने से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पदोन्नति में आरक्षण को दरकिनार कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी पदोन्नति अधिनियम 2002 को खारिज कर दिया था। इस कानून में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। तब से अब तक 60,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। तभी से कर्मचारी संगठन सरकार से पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। प्रमोशन ना होने से सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी हो गई है। दफ्तरों में प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। वल्लभ भवन में एक ही अधिकारी के पास 2 से 3 बड़े विभागों का प्रभार है। इससे वे मूल पद स्थापना वाली जगह भी काम नहीं कर पा रहे हैं और प्रभार में जो विभाग मिला है वहाँ तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक तरफ नौकरी में भारी आरक्षण दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के कोटे ने भी कई सीटों को कब्जा लिया है। ऐसे में पदोन्नति में आरक्षण की कोई जरूरत समझ में नहीं आती। प्रमोशन तो अधिकारी या कर्मचारी की लगन, मेहनत और योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या निर्णय आता है।